ये आइए हम आज पालक पनीर बनाएंगे। मैंने टमाटर और मिर्ची और पालक को अच्छे से धो के उसको लिया है। पहले टमाटर डाला है और दो ही हरी मिर्च डाली है और देखो धोई वाली पूरी हरी ग्रीन एकदम पालक उसमें डाली है। थोड़ा सा बटर का तड़का दिया है। हर एक बार डालने के बाद पूरा उसको अच्छे से हिला के उसके ऊपर ढक्कन से ढक दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए डालने के बाद अपन पालक पनीर का मसाला बनाएंगे। देखो मैंने गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उनका सब का ऐसा मसाला बना के कटोरी में दे ले लिया और थोड़ा सा बटर डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया और 1 चम्मच लहसुन कुटा वाला। वैसे लहसुन का बाग जाना चाहिए ना, इसलिए कुटा वाला लहसुन इसमें डाल दिया और अच्छे से उसको हिला के ले लिया ताकि वो कच्चा लहसुन का पूरा बास निकल जाए और धनिया का भी और उसमें बास आ जाए। फिर मैंने जो मसाला बनाया था थोड़ा सा पनीर और तेल में थोड़ा सा डाल दिया। देखो ये पनीर में अच्छे से मसाला गरम हो रहा है और धीरे धीरे उसमें भी अदरक, थोड़ा सा अदरक का भी डाल सकते हैं। ये जो आपने लहसुन लिया था उसमें धीरे 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 मिक्स करने का। ये देखो ये पूरा मिक्स हो गया और ये अपना तेल बाजू को छोड़ दे रहा है, मतलब वो अच्छे से पक गया है। ये पकने के बाद ये जो मैंने मसाला पनीर लिया था उसको मिक्सर में घुमा लिया पूरा। जैसे मिक्सर में घुमा लिया तो पूरा ग्रीन का ग्रीन रह गया कि उसमें अपन तलते समय थोड़ा सा बटर डाल दिया था और थोड़ा सा बहुत ही गाढ़ा हो गया इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें। ये देखो पानी डाल के पूरा इसको मैंने हिला दिया, ऐसा अच्छे से मिक्सअप किया उसको। जैसे मिक्सअप किया थोड़ा सा 1 चम्मच बटर डाल दिया मैंने। बटर या आपके पास फ्रेश क्रीम होगी तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, उससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है पालक पनीर में। जैसे थोड़ी सी उबाल आ गया वैसे मैंने बटर डालना चालू कर दिया। ये देखो पनीर को भी डाल दिया मैंने, पूरा सा वाइट पनीर रख दिया मैंने और पूरा पालक में पनीर डाल के पूरा पहले स्मैश कर दिया। ये देखो ये पूरा ऐसा काट के रखा था, इतना सामान लगा अपने को और ये बन गई मेरी पालक पनीर। थैंक यू।